कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बागेश्वर सरकार उर्फ बागेश्वर वाले बाबा उर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों बहुत परेशान हैं। यूं समझ लीजिए कि शनि और राहु केतु ने एक साथ उन पर हमला कर दिया है। ऐसा लगता है कि चमत्कार दिखाने वाले शास्त्री जी पर साढ़े साती का असर हो गया, पर शायद शनिदेव कुछ ज्यादा ही नाराज लग रहे हैं। पहले तो बागेश्वर सरकार को नागपुर से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भागना पड़ा। जब नागपुर से रायपुर आए तब उनको छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री ने चैलेंज कर दिया, लेकिन नागपुर के श्याम मानव के चैलेंज करने के बाद से ही चमत्कारी बाबा की नींद हराम हो गई है। अपने चमत्कार के बल पर एबीपी के रिपोर्टर के चचा ताऊ भाई और भतीजी का नाम बताने वाले धीरेन्द्र शास्त्री अब खुद ही कह रहे हैं कि उनको कुछ नहीं आता जाता। अब धीरेन्द्र शास्त्री खुद ही डंका पीट रहे हैं कि उनके तमाम चमत्कार सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग है। अब बागेश्वर सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हमको अपने भविष्य का पता नहीं है, तुम्हारा क्या बताएंगे। दरअसल बागेश्वर धाम वाले पंडित जी को जान से मारने की धमकी आई है, वो भी उनके रिश्तेदार के फोन पर, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि शिकायत अज्ञात दर्ज कराई गई है, यानी जो शख्स दूसरों का भूत भविष्य वर्तमान बताने की ताकत रखता है उसे नहीं मालूम कि उसे धमकी देने वाले शख्स का घर कहाँ है। दूसरों की माशुका और गर्लफ्रेंड की खुफिया जानकारी रखने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं मालूम कि उनको धमकी देने वाले शख्स का नाम क्या है, वरना उनका रिश्तेदार अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाता। वहीं दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व का झंडा लेकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। दिन रात मीडिया में उनका प्रचार हो रहा है और ऐसे वक्त में उनको जान से मारने की धमकी भी आ गई है, तो फिर अब उनके जेड प्लस सिक्योरिटी भी मिल जानी चाहिए। शायद ये पूरी भूमिका ही हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी हासिल करने की तरफ इशारा कर रही है, ताकि जल्द से जल्द धीरेन्द्र शास्त्री को सिक्योरिटी मिल जाए, ताकि वो बहुत सक्रिय हिंदुवादी नेता के तौर पर मार्केट में लॉन्च कर दिए जाएं। पर सवाल है कि जिस चमत्कारी बाबा के चमत्कार की चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिस बाबा के चमत्कार की खबर न्यूज चैनलों पर छाई हुई है, उसे आकर धमकी देने वाले शख्स का नाम क्यों नहीं मालूम। ये भी कितनी हैरानी की बात है कि दूसरों की गोपनीय जानकारी कागज के पर्चे पर लिखने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पाखंड महज एक फोन कॉल पर चूर चूर कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री कितने बड़े प्रतापी और ज्ञानी हैं, महज एक फोन कॉल ने उनकी पोल खोल दी है। आखिर कैसे धीरेन्द्र शास्त्री का सारा ज्ञान हो गया फेल, आखिर कैसे धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार की उड़ी धज्जियां, आखिर कैसे धर्म के नाम पर पाखंड की खुली पोल, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विवादों में बने हुए हैं। उन पर आरोप लग रहा है कि वे अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं और खुद को चमत्कारी कहते हैं। उनके खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दी गई है। अब धीरेन्द्र शास्त्री के एक रिश्तेदार लोकेश गर्ग को धमकी मिली है। लोकेश गर्ग ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में धमकी मिलने की शिकायत भी दर्ज कराई है। लोकेश गर्ग रिश्ते में धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई लगते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको अमर सिंह नाम के शख्स ने फोन पर धमकी दी है। अज्ञात शख्स ने लोकेश को फोन पर कहा, अपने परिवार के लोगों की तेरहवीं तैयारी कर लो। फोन पर धीरेन्द्र शास्त्री को भी जान से मारने की धमकी दी गई। लोकेश गर्ग ने धमकी मिलते ही सीधे पुलिस से संपर्क किया और FIR दर्ज करवाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश के छतरपुर की बमीठा पुलिस ने इस मामले में धारा 506 और 507 के तहत FIR दर्ज कर ली है। वहीं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों कथित तौर पर अंधविश्वास फैलाने के लिए विवादों में छाए हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तर्ज पर नया नारा दिया है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं आज नारा देता हूं कि तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। आज हम घोषणा करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ खड़े हैं। बीजेपी नेता के साथ खड़े होने से क्या फर्क पड़ जाएगा, जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ही उनके साथ खड़े हैं, तो बागेश्वर सरकार को किसी छुटभैया नेता की क्या जरूरत। फिर यूपी के बस्ती जिले के बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने उनकी हिमायत की है।
बीजेपी सांसद ने कहा कि पूरे देश को धीरेन्द्र शास्त्री का साथ देना चाहिए, वो सनातन का प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी सांसद ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री का चमत्कार जिसे नहीं पसंद वो उनके पास ना जाए। लेकिन अभी तक धीरेन्द्र शास्त्री खुलकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को चैलेंज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जिस शख्स को धमकी देने वाले शख्स का नाम मालूम नहीं है, पता नहीं कैसे दूसरों का बायोडेटा जान जाते हैं। हालांकि पुलिस में दर्ज शिकायत के बाद छतरपुर के पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने केस दर्ज किए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि छतरपुर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि फोन कॉल करने वाले आरोपी का नाम अमर सिंह है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है, उसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बागेश्वर सरकार के नाम से मशहूर धीरेन्द्र सरकार के चमत्कार पर अब सवाल उठना तो लाजमी है। अपने चमत्कार का जौहर दिखाने वो नागपुर भी गए थे, लेकिन नागपुर में उनको चुनौती देने वाले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने और चैलेंज करने पर नागपुर से भागने का आरोप लगाया था। श्याम मानव ने कहा था कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री उनके सामने दिव्य दरबार में चमत्कार करके दिखाते हैं तो उनको 30 लाख रुपए देंगे। लेकिन आरोप है कि नागपुर से धीरेन्द्र शास्त्री अपना बोरिया बिस्तर समेट कर 9-2-11 हो गए। वो रायपुर पहुंच गए और वहां पर श्याम मानव के आने की चुनौती देने लगे। लेकिन शास्त्री जी का हाल देखकर यही लगता है कि अगर श्याम मानव इनके बागेश्वर धाम पहुंच जाए कहीं यहां से भी वो भाग न जाए। खैर, श्याम मानव के चैलेंज के बाद खुद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चमत्कार दिखाने वाले उनके जोशी मठ के मकानों में आ गए दरारों को चमत्कार से भर दे तो वो उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि हम उनके लिए फूल बिछाएंगे कि आओ, ये जो हमारे मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसे जोड़ दो। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? जो चमत्कार हो रहे हैं, अगर जनता की भलाई में उनका कोई इस्तेमाल हो रहा है तो हम उनकी जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, नहीं तो ये चमत्कार छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पर धीरेन्द्र शास्त्री अभी भी अपने चमत्कार के दावे पर कायम है और कह रहे हैं कि जिनको चमत्कार देखना है वो बागेश्वर धाम में आ जाए। लेकिन सवाल है कि जिसके पास चमत्कार की इतनी ताकत है वो बागेश्वर धाम में क्या कर रहा है? उसे तो सरकार में चमत्कार मंत्री का पद संभालना चाहिए। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अकबर इलाहाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में, रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।